खबर गुना से है, जहां शनिवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में इंडिया फाइट एचआईवी के संदर्भ में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें रेड रिबन क्लब गुना से टीवी एचआईवी आईसीटीसी कार्यक्रम जिला समन्वयक संदीप मेहरा ने टीवी और एचआईवी पॉजिटिव बीमारी की पहचान कैसे की जाती है, साथ ही इसके उपचार के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रधानाचार्य ने संबोधित करते हुए ऐसी बीमारियों से बचने का एक ही उपाय है, इसके प्रति लोगों में जागरूकता और इसके उन्मूलन के लिए अथक प्रयासों की जरूरत है। गुना से कादिर खान की रिपोर्ट। सर बताएं, ये क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया? मैं विजयकांत राठौर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुना में अगस्त में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई हमारे विद्यालय में कार्य करती है। आज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई यहाँ पर तीन परिपथ हैं, मुख्य रूप से तीन उद्देश्य हैं जिसके कारण बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहला उद्देश्य, आज 14 सितंबर है जो कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ये सभी बच्चे हिंदी भाषा का महत्व समझेंगे, हिंदी भाषा की क्या उपयोगिता है और हिंदी अस्तित्व में क्यों आई, इसके बारे में विस्तार से NSS यूनिट अपना कार्य करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, आज समापन एवं सम्मान समारोह है। जो बच्चे 12th क्लास के बच्चे जो पास होकर जा चुके हैं, जिन्होंने NSS में रहते हुए 240 घंटे का कार्य पूर्ण किया है, उनको आज इस सर्टिफिकेट प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसमें है उन्मुखीकरण कार्यक्रम। इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम में बच्चों को बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आदरणीय इसमें नोडल अधिकारी के रूप में पधारे हुए हैं, संदीप मेहरा जी देंगे। मैं विजयकांत राठौर, एक्सीलेंस स्कूल। जी सर बताएं, ये क्या प्रोग्राम आज किया है? नमस्कार, मेरा नाम संदीप मेहरा और मैं वर्तमान में NSS जिला संघ का कार्यकर्ता वाली ग्रुप में हूँ। आज जो यहाँ प्रोग्राम है ना, एक तो ऐसा प्रमाण पत्र रहेगा सम्मान समारोह का, दूसरा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा जिसमें बताया जा रहा है कि NSS का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, NSS स्टूडेंट को क्यों लेना चाहिए और भविष्य में उसके क्या फायदे होते हैं, इससे संबंधित आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम में यहाँ पर चर्चा की जाएगी।